ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 20 मई 2020 सुबह के 8:22 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, वेनसडे है। कल वीकली एक्सपायरी का दिन है और कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स, जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स में जो वैक्सीन की खबर थी उससे जबरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिल रही थी, बाउंस बैक देखने को मिल रहा था। हालांकि इंडियन मार्केट्स में शुरू में तो एक तेज शुरुआत दिखाई दी, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे आकर जहां ओपन हुआ था उसके नीचे आकर ये क्लोज हुआ। हालांकि कंपेयर टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन ये उस लेवल के ऊपर आके क्लोज हुआ था, लेकिन ओपन जहां पर हुआ था उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर ग्लोबल मार्केट्स के हालात और उसके बाद निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 19th में आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 8928 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 8803। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ओपन हुआ फर्स्ट टारगेट और ब्रेकआउट लेवल के बीच में, तो जैसे ओपन हुआ था ऊपर की तरफ तो वेट करना होगा जरूरी है। तो यहाँ से ये जब नीचे आया और एक हैमर जैसा कैंडल से यहाँ पर इसने फॉर्म किया, ये 50 और 20 EMA के मूविंग एवरेज के अराउंड, और यहाँ से जब इसने बाउंस बैक दिखाया तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 8975 ये अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट भी 9005 यहाँ पर ये अचीव हुआ। और इसी जो रेंज था, ये फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट, इसी के बीच में ये काफी देर तक ये ट्रेड कर रहा था। और इसने जब ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया फिर से इन मूविंग एवरेजेस का ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रहा था, और एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास इसने एक डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया। उसके बाद नेक लाइन का भी इसने ब्रेकडाउन दिया और ये फिर और तेजी से फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ हुआ। तो ये लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करने के पैटर्न्स होते हैं, डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम या फिर कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर। तो लाइव मार्केट में जैसे ऐसे पैटर्न्स बनते हैं 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट में और उसका ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखने मिलती है। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। कल के अगर प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 45 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 33,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक में एक जबरदस्त तेजी के बाद एक करेक्शन दिखाई दिया, 49 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो मिला जुला कारोबार वहां पर देखने को मिला। एशियाई बाजार में आज SGX निफ्टी 100 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स भी 151 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। हालांकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो अभी फिलहाल मिले जुले संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो 154 पॉइंट की समय बढ़त दिखा रहा है। एक दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी गोल्डमैन सैक की। गोल्डमैन सैक एक इंस्टीट्यूशनल फर्म है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फर्म है, US से ऑपरेट करता है ये, काफ़ी नामचीन फर्म है ये। इसकी एक रिपोर्ट थी इंडिया के बारे में कि आने वाला रिसेशन का पीरियड काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंडिया को हिट कर सकते हैं। अभी ये जो वैक्सीन की खबरें आ रही थी ये इनिशियल फेज में जो ट्रायल चल रहा है इसकी सिर्फ खबरें हैं, लगातार न्यूज़ चैनल्स में हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ चैनल्स का TRP जो होता है, व्यूअर्स जो होते हैं, वो ऐसे न्यूज़ के कारण बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए वो बार बार ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं। लेकिन जो एक्चुअली अगर वैक्सीन आता है तो उसको कम से कम ह्यूमन ट्रायल्स के लिए 3 महीने कम से कम तो लगेंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल होने के बाद जो प्रोडक्शन होगा
कितने लोगों को ये वैक्सीन पहुंचाना है, तो प्रोडक्शन के लिए भी टाइम लगेगा। तो इतना जल्दबाजी में इसके ऊपर अगर वैक्सीन निकलती है तो इसके ऊपर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है? रिएक्ट करता है तो क्या अब ऊपर के लेवल पे ये सस्टेन हो पाएगा? तो ये यहाँ पर इन खबरों से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड रैली नहीं दिखा सकता ऐसे मार्केट न्यूज आने से, क्योंकि हर एक न्यूज चैनल ऐसी खबरें दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट है, तो ये काफी नामचीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसका ये जो रिपोर्ट है ये भी काफी काफी मायने रखता है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट को अगर देखें तो क्या टेक्निकल एनालिसिस, क्या चार्ट पैटर्न हमें यहाँ से एक फॉल दिखा रहा है, कहाँ पर सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ पर इस इन लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट को एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि मंथली चार्ट में अभी देखें तो ये मई का मंथ चल रहा है, जो हमने मार्च का ये फॉल देखा था, जबरदस्त बियरिश कैंडलस्टिक था, उसके बाद इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है, यानी मंथली चार्ट में जो मार्च का हाई और लो है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, और ये जो 100 ईएमए का ये जो ग्रे लाइन है इसका भी एग्जैक्ट फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट करने के लिए निफ्टी इंडेक्स इसके पास पहुंच गया है मंथली चार्ट में। 2008 में देखें, ये 2008 का सिनेरियो है, तो यहाँ पर एक 4-5 महीने इस 100 ईएमए के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। अभी ये नेचुरल क्राइसिस था, ये फाइनेंशियल क्राइसिस था। नेचुरल क्राइसिस के बाद अभी फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आता है, जैसे कि गोल्डमैन सैक का रिपोर्ट है कि रिसेशन अभी आने वाला है, तो यहाँ पर अगर ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये अगर और 1-2 महीना चलता है, क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरीके से हटेगा नहीं, कुछ कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाता तब तक ये हटेगा नहीं। और अगर टेक्निकली देखें तो ये 100 ईएमए जो कि अराउंड अभी 8783 के पास है, तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है और ये जो मार्च का लो है इसको अगर ब्रेक करता है, तो निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मुंह होते हुए देखने को मिल सकता है। ये 2008 में जो एक करेक्शन आया था ये ऑलमोस्ट 60% का करेक्शन था, 60% निफ्टी 60% करेक्ट हुआ था, और ये निफ्टी अभी तक 40% करेक्ट हुआ है, यानी जो निफ्टी का अभी टॉप है वहां से निफ्टी इंडेक्स टोटली 40% अराउंड ये करेक्ट हुआ है। तो अगर हिस्ट्री रिपीट होता है, अगर यहाँ से 20% और निफ्टी इंडेक्स अगर करेक्ट होता है, तो हमें 5000 तक निफ्टी इंडेक्स देखने को मिल सकता है। लेकिन कब? जब ये 100 ईएमए को ब्रेक करेगा और ये जो मार्च का लो है इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगेगा तब। ये टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है, वैक्सीन की खबर आ रही है, लेकिन टेक्निकली हमें इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में हम फायदेमंद हो सकते हैं। तो ये मंथली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में जैसे कि अभी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है। मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अभी यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं और उसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। अभी तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, वीक खत्म नहीं हुआ है, तो 50% का ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है 8700, ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है, और ऊपर 9000 के अराउंड एक मेजर रेजिस्टेंस होगा, और उसके ऊपर अगर जाना है तो फिर से इन लेवल्स को इसे कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा। तो ये वीकली चार्ट का सीनर है। डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में फिर से एक बार अगर मैग्डी को देखें, इसने नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा दिया है और जीरो लाइन के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। ऊपर प्राइस एक्शन को देखें तो कल डेली चार्ट में इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था, यानी ये जो मंडे का कैंडल था इसके हाई और लो के बीच में ये ट्रेड कर रहा था, तो अभी इसका हाई और लो काफी क्रूशल बन जाता है, यानी ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का ये लेवल का यहाँ पर काम कर सकता है। तो जैसे कि ट्रेंड देख पा रहे हैं हम, बियरिश ट्रेंड है, अगर कोई भी ऊपरी लेवल से अगर फॉल आता है तो शॉर्टिंग के ही अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन और आरएसआई को कंपेयर करें तो आरएसआई में भी यहाँ पर लोअर
हाईज बन रहे ना बल्कि हायर हाईज बन रहे, ये लोअर हाईज बन रहे। और जैसे कि प्राइस अगर यहाँ से हर एक लो को ब्रेक करता है तो टूवर्ड साउथ की तरफ ये और तेजी से आ सकता है। तो 8,700 का फर्स्ट सपोर्ट होगा। और डेली वीकली और मंथली चार्ट को जैसे कि हम एनालिसिस कर रहे हैं तो मंथली चार्ट में भी ये ग्रे लाइन जो है 100 EMA का, ये भी अराउंड 8,700 के पास आ रहा है। तो 8,700 को ये काफ़ी पेनेट्रेट कर सकता है इस लेवल के पास। तो हो सकता है 8,700 से ये बाउंस बैक करे। और यहाँ पर ये इस तरह से ऐसा डबल टॉप डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर ये फॉर्म हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर इस वक्त 2008 में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, और उसके बाद फिर तेजी हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली थी। तो ये यहाँ पर डेली वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो स्विंग हाई बनाया था एक छोटा सा मंडे को, ये लेवल हो सकता है आज का ब्रेकआउट लेवल, क्योंकि इसी लेवल के पास पिवट पॉइंट का भी ये लेवल आ रहा है 8,921। तो 8,923 के ऊपर अगर ये चला जाता है और सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8,953, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 8,987, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो कल का लो यानी 8,853 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8,824, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 8,806, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।